हाँ बेटा इससे क्या कर इस सृष्टि में, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई कितना भी महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक नियंता रहता है, किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है। अतएव वह भगवान है, वह सबके नियंता है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई उनके तुल्य है। उनको परम नियंता के पद में हिस्सा बांटने वाला भी कोई नहीं है। ये सुनने में शायद अत्यंत विचित्र लग सकता है, क्योंकि आजकल अनेक तथाकथित भगवान देखने को मिलते हैं। निसंदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका आयात विशेषतया भारत से हो रहा है। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहाँ भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में तो आए दिन भगवान का निर्माण होता रहता है। हम बहुधा सुनते हैं कि लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में भगवान का आगमन हो रहा है और लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं हैं जिनका निर्माण किसी यौगिक फैक्ट्री में होता हो। वे बनाए हुए भगवान नहीं हैं, अपितु वे पहले से ही भगवान हैं। माता जी अनम्यूट। एक पैराग्राफ और पढ़िए बेटा। ठीक है माता जी। अतः हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति के प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण हैं और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है। शिक्षा के लिए हमें किसी अध्यापक के पास या पाठशाला जाना होता है, या फिर हम अपने माता पिता से सीखते हैं। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है। अपने बचपन में हम पूछते थे, पिताजी ये क्या है? और पिताजी कहते थे, ये कलम है, ये चश्मा है या ये मेज है। इस प्रकार एक बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही अपने माता पिता से सीखता है। वे अपने माता पिता से पूछ पूछ कर वस्तुओं के नाम तथा विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को सीखता है। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते, वे सही सही सूचना देते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करें और यदि वे अधिकारी धोखेबाज ना हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता है, किंतु यदि हम अपनी चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे तो हम त्रुटि कर बैठेंगे। निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती, जिससे विशेष तथ्यों या व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूंकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, अतएव ये सदा अपूर्ण रहेगा। माता जी, यदि हम परिपूर्ण स्रोत कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं और यदि हम सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रमाणिक हो सकता है। परंपरा विधि अथवा शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिनसे कृष्ण को स्वीकार किया है श्रवण करने तथा उन्होंने जो कहा उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है। भगवद्गीता में किसी ज्ञान की विधि संस्तुति करते हैं, एवं परम प्राप्तम इमं राजज्ञा विदुहु। ये परम ज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इस विधि से उससे समझा। माता जी, यस हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो पेज नंबर आपने पढ़ा 57। माता जी सिर्फ 7 बेटा, 7 ओनली 7 पेज नंबर, ये तो खुल ही नहीं रहा इसमें। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। आपने मुझे वो भेजा था ना? Yes, मंजरी ग्रुप पर भी भेजा है बेटा इसको? माता जी पहले भेजा था, पहले। जस्ट मिनट, एक बार फिर से सेंड कर सकते हो बेटा, शायद रीओपन होने में टाइम लगेगा। ओके, तो जो आज हमने पढ़ा कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, ये जो बुक है ये श्री प्रभुपाद की बुक है
और इस बुक में श्री प्रभुपाद ने हमें यही बताया है कि किस तरह ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये जीव के लिए जो है एक अनुपम उपहार। तो बेटा आपने सेंड किया, अच्छा पहले आपने किया वो, एक मिनट जस्ट ओके आई हैव रिसीव्ड इट। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो एक अनुपम उपहार है, क्योंकि जीवन में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं है ना, लेकिन हमारे पास भगवान की भक्ति जो है वो नहीं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो नियंत्रण में नहीं है। हम सभी को लगता है हम तो इंडिपेंडेंट है, बल्कि भक्ति करने पर बहुत से नियम करने पड़ते हैं, हमें माला करनी पड़ती है, चार नियम का पालन करना पड़ता है, मीट ईटिंग नहीं करनी पड़ती है, शाकाहारी खाना पड़ता है, राइट। तो हमें क्या लगता है हम वैसे बहुत फ्री हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब हम जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वो नियंत्रण में नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बताइए, क्या हम अपनी पलकें अपने आप से झपका सकते हैं? बासु, आप अपनी पलकें अपने अपने इच्छा के अनुसार झपका सकती है? ओके, ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा? काजल, आप अपनी पलकें चाहिए कि 3-4 मिनट बाद हम झपकाएं या नहीं झपकाएं? 1 घंटे तक झपकाए ही नहीं, हम लोग एक गेम भी खेलते थे ना जैसे पलकें नहीं झपकाए, नहीं, नहीं कर सकते। ओके, नहीं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी हार्ट बीट को बोले कि 4-5 मिनट के बाद वो धड़के? नहीं, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है नहीं। ओके, हम जो खाना खाते हैं हमारे हिसाब से पचता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। भी नहीं होता। तो हमें प्रॉब्लम होती है ना, हम हाजमोला भी खाते हैं कभी कभी, राइट, डाइजेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब हम कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम लेस इंटेलिजेंट के कारण, क्योंकि हम मैटेरियलिस्ट लोगों का संग करते तो हमें लगता है वी आर फ्री, बट एक्चुअली वी आर नॉट फ्री। हमें फोर्स किया जाता है कि हम बूढ़े हों। कोई बूढ़ा होना चाहता है? आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? लेकिन हमें फोर्स किया जाता है। हम में से कोई चाहता है कि हम कुत्ते योनि में जाएं, छिपकली योनि में जाएं, यू नो कॉकरोच योनि में जाएं? लेकिन हमें फोर्स किया जाता है कि हम जाएं अपने कर्म के अनुसार, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो यानी ये कहा जा रहा है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हर कुछ जो है वो एक शक्ति के अंतर्गत हो रहा है, और हम बाउंड टू होते हैं। जैसे अभी सर्दी आई है तो हम बाउंड टू हैं कि हम स्वेटर पहने, हम नहीं चाहते स्वेटर पहने या कुछ हमें अच्छा नहीं लगता ना, कैप लगा लेंगे तो शक्ल अच्छी नहीं लगती, यू नो अपने वो जो जो हेयर स्टाइल है वो दिखाई नहीं देंगे, है ना। लेकिन वी आर बाउंड टू, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें पहनना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम जो होते हैं इतने वो होते हैं कि हमें उसको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लगता है कि श्री प्रभुपाद कहते हैं सुनने में विचित्र लग सकता है, लेकिन भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका आयात भारत में हो रहा है। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहां भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में आए दिन हर कोई भगवान बनता है। कोई एक साधु डेवलप होता है और वो क्या कहता है कि वो भगवान है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे मैं भगवान का आगमन हो रहा है, उनका स्वागत के लिए एकत्र हो रहे हैं लॉस एंजलिस। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, हमने ये पढ़ा शास्त्र, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए लेकिन कोई भी। मेरी आवाज आप लग आ रही है, क्लियर है और बातें समझ में आ रही हैं कि हम जब मूर्खता में होते हैं या हमारे ज्ञान नहीं होता तब हम सोचते हैं कि हम जो है वो स्वतंत्र हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत से नियम होते हैं। एक्चुअल में जब हम भक्ति करते हैं तभी हम फ्री होते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं, गुरुजन ले लेते हैं, हमें केवल अपना चैंटिंग करनी है और प्रसाद खाना है और खुश रहना है।
है ना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ज्यादा मिस नहीं करना। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ेगा और फिर हम देखते हैं हम माया के बंधन में हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, है ना। उसके बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं हमें प्रमाण के आधार पर जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या दृष्टि के पीछे कृष्ण है ना। साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि कोई चीज कैसे होती है ना, जैसे वो शरीर के बारे में बताते हैं ऐसे होता है, डाइजेशन ऐसा होता है, लेकिन वो एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं बना सकते, घास का एक तिनका भी साइंटिस्ट बना नहीं सकते, है ना। कोई भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, उनके कॉन्टेक्ट में नहीं है। अगर उनको बोलो कि आप अच्छी आप जानते हैं जो क्लियर वाटर होता है वो H2O होता है, इसके हाइड्रोजन का 2 पार्ट मिलाते हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिलता है, तो अच्छा पानी जो पीने योग्य पानी है उसको तैयार किया जाता है, तो आप तैयार कर दीजिए, इतनी तो प्रॉब्लम है पानी की, तो लेकिन वो तैयार नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं। तो यानी कोई भी व्यक्ति भगवान के अलावा क्रिएशन कर ही नहीं सकता, न मेंटेनेंस कर सकता है न डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये शक्ति केवल भगवान की होती है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। जैसे माँ बाप के पेट में अगर बच्चा जाए, एक माँ के पेट में गर्भ होता है तो माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरा है ना, लेकिन आत्मा तो पहले से चली आ रही है, वो आत्मा तो पहले भी थी, समझ में आ रहा है। क्या माँ पेट में जाकर उस बच्चे का शरीर निर्माण कर रही है क्या, उसको देखने की सुनने की समझने की क्षमता, अंग अंग बनने की विकास की क्षमता क्या माँ प्रदान कर रही है क्या, यानी कोई और है जो प्रदान कर रहा है क्या, डॉक्टर की दवाइयां प्रदान कर रही है उसका ब्रेन डेवलपमेंट आई डेवलपमेंट जो हो रहा है शरीर का डेवलपमेंट, उसको क्या दवाइयां प्रोवाइड कर रही है जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ली हुई है। माता जी वो टाइम जा रहा है, अभी दोबारा रिज्वाइन करेंगे सब। ओके तो रिज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। तो इसका मतलब क्या है कि somebody else is governing, तो शास्त्र बताते हैं कृष्ण जो एक घास का तिनका भी नहीं बना सकता, तो इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हों, तब हम बाकियों के प्रति भी कृतज्ञ होंगे। लेकिन एक बार भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा गया था कि अकृतज्ञ व्यक्ति अगर है और वे एक मीट ईटर है तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन किसका संग करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा आप मीट ईटर का संग कर लीजिए, लेकिन जो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है जिसको ये पता नहीं होता कि उसको कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उस व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डीमन नेचर का होता है। डीमन मतलब असुर स्वभाव का होता है। अकृतज्ञ व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता, वो हमेशा ये कहता मेरे लिए क्या किया गया, तो सब भूल जाता है। तो उस भक्ति विनोद ठाकुर ये सजेशन देते हैं कि हमें अकृतज्ञ का संग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि आप एक मीट ईटर का संग कर लीजिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण जो है हर सृष्टि के पीछे है। जैसे मैंने अभी माता का एग्जाम्पल दिया कि गर्भ में अगर जो बच्चा आता है तो एज अ आत्मा उसका डेवलपमेंट माँ नहीं करती है, उसके शरीर का डेवलपमेंट माँ नहीं करती है, उसके जो भी चीजें हैं उसका डेवलपमेंट माँ नहीं कर रही, ना ही कोई डॉक्टर करता है जिसको हम कंसल्ट कर रहे हैं। शास्त्र बताता है ये सारी प्रक्रिया भगवान के निर्देशन में माया शक्ति करती है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप देख सकते हैं सब चीजें, है ना। हम ये बता सकते हैं कि गुलाब का फूल कैसे खिलता है, लेकिन कोई गुलाब का फूल बना नहीं सकता, बना सकता है नहीं। गुलाब का फूल का बीज या पेड़ कोई बना नहीं सकता। आकाश कैसे है, किस मटेरियल का बना, ये लोग बता सकते हैं, लेकिन कोई आकाश का निर्माण नहीं कर सकता, पानी का निर्माण नहीं करता, अर्थ एयर वाटर अग्नि इन सब का निर्माण कोई नहीं कर सकता। ये निर्माण शास्त्र बताता है भगवान ने किया, श्रीमद् भागवतम में ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे इसलिए शिल्प रूप बात कर रहे हैं कि समस्त कार्यों में जो कारण होते हैं वो एक्चुअल में कृष्ण होते हैं, उन्होंने देवताओं को भी उत्पन्न किया है ताकि वो हमसे सहभागी कर सके। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो दावा कर सके कि किसी चीज में नियंत्रण में नहीं, इवन डेमी गॉड्स भी यानी देवी देवता भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी के नियंत्रण में नहीं, वो भी भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। कोई कितना भी महत्वपूर्ण शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर पर एक नियंत्रण रहता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
आप लोग को बात समझ में आ रही है जो मैं समझा रही हूँ? बहुत सिंपल चीज है, आप अपने आप भी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं होता, यहाँ आपको कृष्ण तत्व का नॉलेज दिया जा रहा है। सृष्टि में सभी चीज भगवान से उत्पन्न होती है, भगवान ही उसका क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी भगवान ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं होता, भगवान हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये हमें समझना चाहिए, ये आध्यात्म विद्या में ये कृष्ण के बारे में बताया जाता है। भगवान सदैव रहते हैं, भगवान का कोई निर्माण नहीं करता, इसीलिए कोई भगवान बन नहीं सकता। आज कोई व्यक्ति भगवान नहीं है तो मतलब वो अभी भगवान नहीं है, वो बनेगा। जब कृष्ण को गोवर्धन उठाना था तो किसी जिम में जाके उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद आके गोवर्धन उठाया, ऐसा नहीं। भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते ही है। सभी का निर्माण हुआ है, इवन डेमी गॉड्स का भी कैसे कैसे निर्माण हुआ है, ब्रह्मा विष्णु है, सबका सबका है। लेकिन भगवान का कब निर्माण हुआ पता नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान का निर्माण होता ही नहीं, वो अपने स्वयं कारण है। हरे कृष्णा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको टेस्ट में काम आएगा, काम आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं मैं बता रही हूँ, और बता रही, परम नियंता के पद पर हिस्सा बांटने वाला भी कोई नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझना चाहिए। भगवान असौमर्धवम है, भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा कि कृष्ण तत्व का क्या मतलब है, भगवान अपने खुद के कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं होता, न भगवान के बराबर कोई बन सकता है, न भगवान से कोई बढ़कर होता है, असमर्थवम, ये कृष्ण की क्वालिटी। क्या मैं बताया कि यह सुनने के बाद शायद विचित्र लग सकता है, और आजकल भगवान देखने को मिलते हैं तो अत्यंत सस्ते भगवान, उनका आयात विशेषता भारत से ही होता है, प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भारत लोगों को भगवान बनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि लोग भगवान बना भी देते हैं, जरा सा किसी के अंदर सिद्धि देख लेंगे कोई, किसी का हाँ ये बाबा जी, बस दिन भर उसके पीछे लग जाएंगे, कभी नहीं देखेंगे कि उसके अंदर भगवान की क्वालिटी है भी, या भगवान कोई बन भी सकता है या नहीं बन सकता। श्री प्रभुपाद कह रहे भगवान कोई बनता नहीं, भगवान सदैव होता है, भगवान का निर्माण नहीं होता। लेकिन भारत में तो आए दिन भगवान का निर्माण होता है, ये बहुत सुनते हैं। लॉस एंजेलिस स्वीकार में आगमन हो रहा था, ये तो पढ़ा था हमने अभी। अतः प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान श्री कृष्ण है। हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, मान लीजिए आप कह सकते हैं, आप तो माता जी इस्कॉन में रहती हैं इसलिए आप कह रही हैं कि कृष्ण जो है भगवान है। नहीं, हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, हम आपको ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ब्रह्मा जो है वो कहते हैं कि सर्व कारण कारण भगवान है कृष्ण, साफ साफ बोला ईश्वर परम कृष्ण। श्रीमद भागवतम बोला एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी लोगों को आप देखते हैं, डेमी गॉड्स, देवताएं या कोई भी सिद्ध पुरुष, ये भगवान के अंश या अंशा अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान है। तो इस तरह से आई थिंक यहीं तक पढ़ा था आस्था, आपने इसके आगे पढ़ा था आपने? यस माता जी, बचपन वाला पढ़ा था आपने? ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है। जैसे हम जब हम जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, तो टीचर सिखाती है ए बी सी डी, ब्लैक बोर्ड पर लिखती है दिस इज ए दिस इज बी, तो वहां टीचर से क्वेश्चन नहीं करते, नहीं टीचर हम नहीं मानेंगे, हम सी सी को सी नहीं मानेंगे, हम तो ए बोलेंगे, करते हैं क्या? इसीलिए आज हम सीख पाए। तो आध्यात्मिक जगत में अगर हमें बातें बताई जाती है तो हम चैलेंजेस क्यों करते हैं? हम वहां मेटीरियल वर्ल्ड में तो कभी नहीं पूछते कि हाँ इसको ए क्यों बोला जा रहा है, इसको बी क्यों बोला जा रहा है, साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए तब हम मानेंगे।
वहां पे हम ऐसा नहीं कहते, वहां पे जो भी सिखाया जाता है साइंस में, जो जो भी आप स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, जो भी अक्षर सिखाया जाता है या किसी भी चीज की नॉलेज दी जाती है, वहां पे तो हम नहीं कहते, वहां जो कहा जा रहा है प्रमाणिक, एक प्रमाणिक व्यक्ति, एक टीचर हमें कुछ बता रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं और फिर हम बनते हैं। हम बताया कि बालक जो अपने जीवन के प्रारंभ में माता पिता से सीखता है, वो अपने माता पिता से पूछकर वस्तुओं के नाम, वस्तुएं, इन सबको सीखता है। जैसे ना माँ बताती, बेटा ये एप्पल होता है, ये सेब होता है ना, इसको खाने से हमें हेल्दी लाइफ होती है ना। और फिर बताती है, बेटा ये कलर होते हैं, इतने तरह के कलर, ये पीला रंग होता है, ये नीला रंग होता है ना, ऐसे हमने सीखा है ना। आप सब में से कितने लोगों ने सीखा है अपनी मदर से, मदर फादर से सीखा है ना चीजों के नाम, ये चीज ऐसी है। तो वहां तो हम नहीं कहते ये ऐसे कैसे, हम नहीं मानेंगे, हम बिल्ली को बिल्ली नहीं कहेंगे, हम कैट को कैट नहीं कहेंगे, हम छिपकली कहेंगे, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, वहां पे जो अथॉरिटी पर्सन हमें कहती है मानते हैं। लेकिन हम सारी जो R&D है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं, और उसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है और हम कुछ जानते भी नहीं, केवल ईगो हर्ट होता है हमारा। हम शास्त्र का प्रमाण देते हैं, हम ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा ही है, तो ये गलत विचारधारा है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती। दो तरह से ज्ञान लिया जाता है, एक आगमन और एक निगमन, है ना। तो आगमन में क्या करते हैं, हम अपने बल पर ज्ञान लेते हैं, जैसे हम मेटीरियल ज्ञान लेते हैं, है ना। दो तरह की विधियां होती है, इसको आपको नोट करना चाहिए। पहला होता है आगमन और दूसरा होता है निगमन। आगमन विधि में हम अपने बल पर, अपने इंद्रियों के बल पर जो है वो ज्ञान को हासिल करते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे हमने एडमिशन लिया, फिर हमने पढ़ाई की, तो 1 हुए 2 हुए 3 हुए, 12th क्लास किया, फिर उसके बाद हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और सो कॉल्ड जितनी भी चीजें बन रहा है, तो हम अपने बल पर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन निगमन में हिंदी में है इसलिए मैं छोटे पिक्चर को देखूं, किंतु यदि हम अपना चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें तो त्रुटि कर बैठेंगे, इसे बताया गया। और निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं थी, जिसपे विशेष, अच्छा इसमें निगमन दिया है, इंडक्टिव एंड कंडक्टिव मेथड। तो जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें हम क्या रिसीव करते हैं कि जो अथॉरिटी ने बोला हम रिसीव कर लेते हैं, तो उससे टाइम की बचत होती है। लेकिन निगमन विधि में हम क्या करते हैं, अपने बल पर ज्ञान हासिल करते हैं, इसीलिए विधि कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अपने बल पर हम क्या जान सकते हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो भी पूरी तरह से नहीं जान पाते, तो जो चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं या उनको हम नाप नहीं सकते उनके बारे में हम क्या कहें। समझ में आ गया? तो दो मेथड होता है, आगमन और निगमन। आगमन मेथड में हम अथॉरिटी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके थ्रू लर्निंग करते हैं, है ना। हमें बताया गया गाय जो है, गाय का गोबर जो है वो मल नहीं होता, गाय का गोबर एंटीसेप्टिक होता है। लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा ऐसा हम नहीं मानते, तो फिर हम रिसर्च करते हैं तो पाया भी गया कि वो एंटीसेप्टिक होता है गाय का गोबर, लेकिन बाकी पशु का मल तो मल होता है ना, वो तो गोबर नहीं होता। समझ में आ रहा है मतलब? तो ऑथेंटिक चीजें जो बताई गई हैं, तो हमने प्रमाण में कुछ सीखा ये चीज ऐसी होती है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर रिसर्च करने नहीं जाते। लेकिन जब हम अपने बल पर ज्ञान करते हैं तो उसको निगमन विधि कहते हैं, और इसका निष्कर्ष जो है कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, हमारे अंदर 4 दोष है, इसके कारण ये निगमन विधि कभी भी पूर्ण नहीं होता। और आगमन विधि पूर्ण क्यों होता है, क्योंकि भगवान से आता है और भगवान पूर्ण है। जैसे भगवत गीता का नॉलेज पूर्ण है, आज से 5000 साल पहले भी दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, है ना। भगवत गीता बताती है हम शरीर नहीं आत्मा है, तो 5000 साल पहले भी जीव शरीर नहीं आत्मा था ना, आगे भी रहेगा, है ना, क्योंकि ये ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है तो पूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। लेकिन जब हम ज्ञान मनुष्यों के बल पर लेते हैं तो खंडन होता है, आज ये थ्योरी मानी जाती है, थोड़ी बार उसको हटा दी जाती है, फिर दूसरी थ्योरी मानी जाती है, ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं। क्या क्या दोष होते हैं? हमारी इंद्रियां जो है वो सीमित है, हम आंख से केवल देख सकते हैं, लेकिन भगवान आंख से गर्भाधान भी कर सकते हैं, भगवान आंख से खा सकते हैं, है ना।
हम कान से सुन सकते हैं, है ना, और हम एक लिमिटेड दूरी तक ही सुन सकते हैं। आंख से देख कब सकते हैं, हम कब देख सकते हैं, जब रोशनी होती है तभी हम देख सकते हैं। अगर ज्यादा रोशनी होगी तब भी नहीं देख सकते, और कम रोशनी होगी तब भी नहीं देख सकते, है ना, ऐसा है ना। और देखने में भी भ्रम होता है, कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना। तो इंद्रियां पूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, और एक इंद्री दूसरे इंद्री का कार्य कर सकती है। भगवान आंख से खा सकते हैं, भगवान आंख से गर्भाधान कर सकते हैं, लेकिन जीव ऐसा नहीं कर सकता, आंख से केवल देख ही सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड है ना। फिर क्या है दूसरा हमारा दोष क्या है, इंद्रियां अपूर्ण है, हम भ्रमित रहते हैं, हम हमेशा भ्रम में रहते हैं, वी डू मिस्टेक्स। थर्ड है, हम बिना मिस्टेक के कोई काम नहीं कर सकते, त्रुटि करते हैं। कोई कह सकता है कि हम एक बार में ही कोई चीज कर लेंगे? मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, हम एक बार में बना लेंगे? कोई भी काम आप ले लीजिए, एक छोटा सा काम ले लीजिए, आटा गूंथ के रोटी बना ली, कभी नहीं बनाया, बना लेंगे? मिस्टेक्स करेंगे। तो जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, अगर वो है जीव है तो वो मिस्टेक करता ही है। गांधी जी को बताया गया कि आप सभा में जाएंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आप मत जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना। उनको उन्हें रिसोर्सेस थे, सब कुछ था, लेकिन सूचना को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, मिस्टेक किया और उनकी हत्या हो गई। तो मिस्टेक कोई भी कर सकता है, बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा जीव जो है वो मिस्टेक करता है। तभी हम साइंटिस्ट एक थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, है ना, फिर कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है, अभी ऐसा मानेंगे। पहले पृथ्वी को चौकोर मानते थे, है ना, फिर कहते नहीं नहीं पृथ्वी गोल है उसका थ्योरी पर। तो इस तरह से आइडेंटिटी करते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है अपूर्ण होता है। तो इंद्रियां अपूर्ण है, इल्यूजन में हम रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं, और हम हमेशा फोर्थ मिस्टेक, इसमें मिस्टेक्स के बारे में नहीं दिया है, आई थिंक ओके, ये ईशोपनिषद में बताया गया है कि जीव में ये सब चार दोष तो होते ही हैं। जीव में इंद्रियां सीमित होती हैं, वो भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, और चीटिंग प्रोपेंसिटी यानी धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हम हैं शरीर, जैसे कि अभी मैं बासु जवाब दोगे, अच्छा मान लो आस्था से पूछती हूँ, आस्था व्हाट इज योर नेम? आस्था, थोड़ा अपने बारे में बताओ, हु आर यू? माची जी, आई एम अ गर्ल, आई एम 23 इयर्स ओल्ड, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, अभी बीटेक आईटी से किया है, जॉब अभी वेटिंग में है। समझ में आ रहा है? बट यू व्हाटएवर यू आर टेलिंग अबाउट बॉडी, बट यू आर नॉट बॉडी। इसको कहते हैं धोखा देना, यहां से धोखा देने की प्रवृत्ति शुरू होती है। तो हर जीव धोखा देता है, तो ये चार मिस्टेक्स तो जीव के पास होते ही हैं, उसके अलावा भी होते हैं, उसके चार लिमिटेशंस होते हैं जीव के। तो ये चार लिमिटेशंस लेके कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकता है? पूर्ण ज्ञान तो पूर्ण व्यक्ति दे सकता है। भगवान कृष्ण कोई गलती नहीं करते, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए उनके उनसे जो ज्ञान आता है वो भी पूर्ण होता है। इसलिए भगवद गीता और श्रीमद भागवतम, रामायण, इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपना जीवन उनके हिसाब से चलना चाहिए, भगवान की अध्यक्षता में चलना चाहिए, तो हमें सही रास्ता मिलेगा। मेरे ख्याल से यहीं तक पढ़ा था कि प्राचीन काल वाला पढ़ा था बेटा, यहीं तक पढ़ा है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं भगवद गीता में 4.2 में कि एवं परंपरा प्राप्त मिदम राज ऋषियो सह काल नियमो मर्ता योगो नष्ट परम तथा। इसीलिए हमें परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, हमें अपने अथॉरिटी से या मेटीरियल लोगों से अगर हम ज्ञान लेंगे तो हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। इसीलिए हमारा जीवन अपूर्ण रहता है, हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, हम सही कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, जो भगवान से ज्ञान आ रहा है, जो जीव को केवल प्रेम करते हैं भगवान,
उनका ज्ञान जब हम लेते हैं तब हमारे जीवन में शांति आती है, सुख आता है और आनंद आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझा। आज हमने पढ़ा कि हम ये जो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो ये जो है ये आपकी फुलिशनेस है। फुलिश व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो स्वतंत्र है। तो हमने बताया कि कैसे हर व्यक्ति नियंत्रण में है, केवल भगवान जो है वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते। हमने ये बात देखी और फिर हमने देखा कि जो हर कोई भगवान बनने का प्रयास कर रहा है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं। और हमने भगवान की क्वालिटी पढ़ी कि भगवान से बढ़कर कभी नहीं हो सकता कोई, और भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता। और भगवान कौन है? कृष्ण। ये कैसे है? शास्त्रों में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सिद्ध किया गया है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। और हमें ज्ञान अगर लेना चाहिए तो ज्ञान की दो पद्धति है, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। आगमन पद्धति में हम जो है अथॉरिटी के द्वारा सुनते हैं और ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, प्रमाण के द्वारा, प्रमाणिक स्रोत के द्वारा ज्ञान सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर रिसर्च वर्क नहीं करते। जैसे हमने सुना कि सब व्यक्ति मर जाते हैं, जितने भी जीव हैं उनका मृत्यु लोक में जो है उनका डेथ होता है, लेकिन अगर हम रिसर्च करने जाएं उसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगेगा शायद कोई ऐसा होगा जो नहीं मरा होगा। पर सारी दुनिया के लोगों को मिलने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कितना एज चाहिए? दुनिया इतनी बड़ी है, 6 कॉन्टिनेंट में, पहले आपको मिलने के लिए कितनी लोगों से मिलने के लिए पहले टाइम चाहिए। फिर मान लीजिए आपको जीवन दे भी दिया गया तो कितने लोगों पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, उसकी मृत्यु होती है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो गया? आपका समय बच गया। लेकिन बहुत से ऐसे फुलिश लोग हैं जो इन बातों को नहीं कहते, वो विज्ञान पर भरोसा, विज्ञान दावा करता है आप चिंता मत करिए, टुमारो यू बिकम हैप्पी। हम कल एक ऐसा रिसर्च लेके आएंगे कि जिसमें हम बस देखिए हमने कितना डेवलपमेंट किया है। बुढ़ापा हमने प्लास्टिक सर्जरी करके सब ठीक कर देते हैं, रोगों को हम ठीक कर देते हैं, है ना। बस मृत्यु पर हम थोड़े ही समय में कब्जा कर लेंगे, बता लेंगे कि कैसे मृत्यु भी हम तो जो डिज्नी के जो डिज्नी आपने जानते हैं डिज्नी जो कार्टून आता है डिज्नी, उसके जो मालिक हैं अरबों रुपए के व्यक्ति हैं, व्यक्ति थे, तो उनको बड़ा विश्वास था कि ये जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर जो कर रहे हैं, ये जरूर एक दिन रिसर्च कर लेंगे और मृत्यु से बचा लेंगे। तो उन्होंने अपने जितने भी मरने के बाद अपनी जितनी भी जायदाद थी वो रिसर्चर्स को दिया था, साइंटिस्ट को, कि आप ये रिसर्च रोकिएगा मत और मेरी बॉडी को प्रिजर्व करके रखिए, जब आप वो बना लेंगे ऐसा फॉर्मूला तो मुझे जीवित कर दीजिएगा। आज तक तो हुआ नहीं, है ना। ऐसे ही पिरामिड में, पिरामिड कितने हजार साल पहले है ना, उनको भी विश्वास था कि हमारे ये जो पुरोहित है ना ये बहुत सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ये थोड़े दिन में ऐसे मंत्र डिस्कवर कर देंगे कि हम मृत्यु को भी जीत लेंगे। इसीलिए राजा लोग जब मरते थे तो अपने पूरे पैराफेरेनलिया को साथ में रखते थे कि हम सबको जीवित कर दिया जाए ताकि वो दिक्कत ना हो, नौकर चाकर धन धान। आज उनका कब्र खोद खोद के ये रिसर्च किया जा रहा है, वो रिसर्च किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। आज तक तो बना नहीं, कोई मृत्यु को ना ही बन सकता है, ना ही कोई भी मृत्यु को डाल सकता। तो ये सब बेवकूफी बात होती है। तो आगमन विधि में हम प्रमाण को, प्रमाणिक स्रोत से बात को सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, समय की बचत होती है और पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होता है। हमें जैसे अभी भगवद्गीता में पढ़ा, हम शरीर नहीं आत्मा है, उसको एक्सेप्ट कर ले हम तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर। तो निगमन विधि में हम अपने प्रयास से ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए कभी भी ये जो विधि है पूर्ण नहीं होती है, ना इसका ज्ञान पूर्ण होता है। और नेक्स्ट हमने लास्ट में जो पढ़ा कि कृष्ण भावना मृत जो होता है, इसमें ज्ञान कलेक्ट करने का तरीका है कि परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त विदम राज ऋषि। हमें परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, उन अथॉरिटी पर्सन की सुननी चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन हम सोचते हैं हमारे साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट है, है ना। आज का जो समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, ये पढ़ पढ़ के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आते हैं, और आपको प्रॉब्लम होता है, कोई डिप्रेशन होती है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। इतना पढ़ के भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आत्मा को सुख नहीं, क्योंकि वो कार्य करना नहीं जानते। ये नॉलेज आपको कभी भी सुख आनंद नहीं प्रदान कर सकता। आप जब आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे जो भगवान के द्वारा प्रोवाइड किया गया, परम पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा, उसके उनके इंस्ट्रक्शन को जब आप जीवन में पालन करेंगे, आप देखेंगे कि आप सचमुच आनंद की जो खोज कर रहे थे वो कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।